दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। रेलगाड़ी की पटरियों के किनारे पर FM क्यों लिखा होता है। रेल पटरियों के जोड़ों के बीच में खाली जगह क्यों छोड़ दी जाती है। दोस्तों दो रेल पटरियों के बीच में एक बोर्ड लगा होता है जिस पर FM लिखा रहता है। FM का मतलब होता है फिलिंग मार्क। यह बोर्ड हमेशा दो पटरियों के बीच में होता है। ठीक इसके 14 मीटर आगे मुख्य लाइन की दूसरी लाइन निकलती है। यह बोर्ड रेलवे के मुख्य रूप से मालगाड़ी के गार्ड्स के लिए लगाया जाता है। जब मालगाड़ी के लूप लाइन पर डाला जाता है तो मालगाड़ी की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से मालगाड़ी के ड्राइवर को पीछे के चीजों को साफ साफ नहीं देख पाते। तब मालगाड़ी का गार्ड्स उस FM के बोर्ड को देखकर यह सुनिश्चित करता है मालगाड़ी का अंतिम डिब्बा पूरी तरह से लूप लाइन पर चला जाए, ताकि मुख्य लाइन जो कि मालगाड़ी तथा एक्सप्रेस ट्रेन के लिए खाली रखी जाती है वह पूरी तरह से खाली रहे। अगर यह FM का बोर्ड नहीं होगा तो गार्ड सुनिश्चित नहीं कर पाएगा कि मालगाड़ी का पिछला डिब्बा कहाँ है। अगर पिछला डिब्बा थोड़ा भी हिस्सा पीछे लाइन पर रह जाए तो मुख्य लाइन से गुजरने वाली किसी भी दूसरी गाड़ी से उस पर गाड़ी का टक्कर हो सकती है। दोस्तों रेल ट्रैक बिछाते समय दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह खाली क्यों छोड़ दी जाती है। ये खाली जगह गर्मियों और सर्दियों के तापमान के बदलाव के कारण लोह धातु की बनी पटरियों को फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए छोड़ी जाती है। यदि ऐसी खाली जगह नहीं छोड़ी गई तो गर्मियों में तापमान बढ़ने के कारण लोहे की धातु पटरियों को फैलने पर वो दाएं से बाएं और मुड़ जाएंगी। इस प्रक्रिया को विकलांगिंग कहते हैं। इसके चलते ट्रेन पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है।